राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, जय श्री राम। जरूरी नहीं है कि राम जी को सिर्फ एक ही दिन हम लोग याद करके दिवाली मनाएं, हर दिन राम जी को याद करो। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अलका। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि 22 जनवरी को एक बार फिर से राम लला को जो है नया रूप दिया जाएगा। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि श्री राम मंदिर का जो है उद्घाटन 22 जनवरी को होगा और राम लला की बालपन की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। और इसको लेकर आज हम पहुंच गए हैं पटना के JD वुमेन्स कॉलेज और यहाँ तमाम तरीके के लोग हैं, कई सारे गार्जियंस भी हैं और कई सारी बच्चियां भी हैं। तो हम जानेंगे इन लोगों से सबसे पहले कि इन लोगों में कितना उत्साह है इस बात को लेकर, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि पूरे देश के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए ये गर्व की बात है कि एक बार फिर से श्री राम जो है वो आ रहे हैं। तो हम इसकी शुरुआत यहाँ कुछ गार्जियन है उनसे ही करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी बच्चियां हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या उन लोगों में कितना उत्साह है। आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि अभी ब्रेक का टाइम है और काफी सारी बच्चियां जो है बाहर निकली हुई हैं और लंच कर रही हैं। वहीं यहाँ कुछ गार्जियन भी मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे 22 जनवरी को रामलला एक बार फिर से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है ना, खुशी का बात है। खुशी का बात है, पूरे सनातन धर्म के लिए एक बड़ी बात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? होना चाहिए, ये सब यूनिटी के लिए होना चाहिए हिंदू के। क्या लगता है सर कि क्या नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद ही रामलला का आना संभव हो पाया, या ये फिर इतने वर्षों से इसकी लड़ाई चल रही थी, क्या लगता है आपको कि ये कैसे संभव हो पाया? इतने वर्षों से चल रही थी ये, नरेंद्र मोदी के आने के बाद उसमें एक्सीलरेशन हुआ। देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, कई सारी बच्चियां मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। श्री राम आ रहे हैं 22 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, वो आ रहे हैं, हम लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएंगे, और हम लोग को बहुत खुशी भी है मन से कि वो आ रहे हैं। और क्या लगता है, मतलब अभी काफी सारे गाने भी निकले हैं, गाने की शौकीन तो बिल्कुल लड़कियां होती है, तो क्या दो शब्द गा के सुनाएंगे श्री राम के बारे में? जी बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्म परी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपने गुनगुनाया है और सुनाया है, बहुत ज्यादा खुशी है श्री राम को लेकर। अगर वहाँ से अक्षत आया या फिर बुलावा आया तो क्या जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाएंगे। वैसे अगर बुलावा नहीं आया तो जैसा बताया जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से जो है पट खुल जाएंगे और सारे लोग वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, तो क्या मम्मी पापा को कहेंगी कि जाने दिया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला जाएगा, जाने दिया जाए, जाने की इच्छुक हैं आप? चलिए, और भी यहाँ पर छात्र जो है वो भी मौजूद है। आप यहाँ पर पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में है? 11th फर्स्ट ईयर। 11th फर्स्ट ईयर में है। श्री राम आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत ही हम लोग को खुशी मिलेंगी जो ये राम जी आएंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे अच्छे तरीके से। क्या लगता है कि अब जो है दिवाली जो दुर्गा पूजा के बाद मनाई जाती थी वो भी श्री राम के आगमन पर ही मनाई गई थी, तो क्या अब 22 जनवरी को दिवाली मनाई जानी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। तो और भी यहाँ पर तमाम छात्राएं जो है वो मौजूद है, हम इन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? उर्वशी कुमारी। उर्वशी नाम है। श्री राम आ रहे हैं, उनको उनके आगमन को लेकर कितनी खुशी है मन? जी बहुत ज्यादा खुशी है, उनका इंतजार है बेसब्री से कि वो कब आएंगे और हम लोग कब उनसे मिलेंगे। आप सब काफी खुश हैं श्री राम आ रहे हैं? बहुत। एक बार फिर से प्यार से बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। हम चाहेंगे दो लाइन आप लोग गुनगुना कर सुनाएं, श्री राम को लेकर काफी सारे जो गीत है वो आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि दो लाइन गुनगुनाएं। जी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे,
बहुत ही अच्छा और प्यारा गाना गाया आप लोगों ने। पढ़ाई करती हैं यहाँ पर जी? किस क्लास में? 11th में। आप किस क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में आप हैं। और भी छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानेंगे इनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजोत कौर है, मैं पार्ट टू में हूँ। पार्ट टू में आप हैं। श्रीराम आ रहे हैं, क्या जानती हैं श्रीराम के बारे में? श्री राम जी के बारे में तो सब जानते हैं, और आप कोविड में देखे होंगे जो नहीं जानते श्री राम जी के बारे में, वर्ल्ड वाइड भी जो रामायण हमारा रामायण टेलीविजन द्वारा भी दिखाया गया सबको, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अपने ट्रेडिशन को दिखाना, अपने कल्चर को दिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल के पॉप के वर्ल्ड बॉलीवुड ना समझ गए होंगे ना, ये सब चीज़ों के कारण बच्चों का दिमाग जो है ना ज़्यादा ही मॉडर्नाइज हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है। तो उन्हें अपनी संस्कृति, अपने रूट्स कल्चर से थोड़ा जुड़ना भी आवश्यक है। तो एक बार अगर पहले की बात करें तो पहले जब श्रीराम अयोध्या लौट कर आए थे, 14 वर्षों का वनवास अपना कंप्लीट करके जब लौट के आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, और उसके बाद जो है फिर से श्रीराम को प्राण प्रतिष्ठा दी जा रही है। कहीं ना कहीं अयोध्या में काफी जद्दोजहद के बाद जो है ये फाइनल हुआ, और कहीं ना कहीं हम लोगों के फेवर में जो है रिजल्ट आया, और वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, इस दिन भी दिवाली मनानी चाहिए क्या? हम तो कहे दिवाली तो हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि हर दिन आप एक नई सोच, एक नए सोच के साथ आप उठते हो, तो दिवाली तो हर दिन बनती है। ज़रूरी नहीं है कि राम जी को सिर्फ एक ही दिन हम लोग याद करके दिवाली मनाएं, हर दिन राम जी को याद करो। आप लोग का जो भी रिलीजन है, आप उस गॉड को याद करो, आप राम जी को याद करो। तो हमको लगता है दिवाली एक दिन क्यों, हर दिन मनाओ, क्योंकि हर दिन भगवान का दिन होता है। तो बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि क्या दो लाइन आप श्री राम के बारे में गुनगुना कर सुनाएंगी? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति पावन सीता राम। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत जो है आपने गुनगुनाया है, सुनाया है हमारे दर्शकों को, और कहीं ना कहीं देखिए जोश है इन छात्राओं में भी कि श्री राम आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जय जयकार लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़े तेज आवाज में जय जयकार लगाइए ताकि सुनाई दे, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि श्री राम कौन है उनको भी ये सुनाई दे दे कि श्री राम। लगता है कि किस सबको पता है श्री राम कौन है, क्योंकि उनका ऐसा एक इम्पोर्टेंस है कि बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ नहीं है, वो दिल में बसते हैं। 143 देशों के लोग जो हैं वहां पहुंच रहे हैं अयोध्या। कई सारे लोगों को बिहार में जो है वो कार्ड के साथ अक्षत आया है अयोध्या से, और सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, और उस दिन काफी हर्षोल्लास के साथ पूरा देश जो है वो जश्न मनाएगा। कैमरामैन हीरा के साथ मैं अलका, नमस्कार।